हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन हियर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप यदि अच्छे समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपको 12th में भी काम देने वाला है। तो इसलिए बहुत ध्यान से बहुत समझ के पढ़ना है इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, चैप्टर 2 है, क्लास 11th मैथ्स का है। देखिए, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है समुच्चय का किया है। जैसा कि आप जानते होंगे, समुच्चय क्या कहलाता है। समुच्चय एक सुपरिभाषित संग्रह है। संग्रह जब हम किसी बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिलेट कर लेते हैं उस चीज़ को। जब हम समुच्चय संग्रह की बात करते हैं तो संग्रह में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो समुच्चय होता है वो सुपरिभाषित संग्रह होता है। सुपरिभाषित मतलब पहले से हमने उसकी कोई विशेषता बता रखी होती है कि ये इस प्रकार का संग्रह है, ठीक है। जैसे संख्याएं हैं, संख्याओं में तो सभी संख्याएं आ जाती हैं। लेकिन जब मैं कहूं कि ये अभाज्य संख्याओं का संग्रह है, मतलब वो संग्रह केवल अभाज्य संख्याओं से संबंधित है। जब मैं कहूं कि ये सम संख्याओं का संग्रह है, मतलब वो सम संख्याओं से संबंधित है, तो इसकी बात ज़्यादा नहीं करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही आप समुच्चय समझ लेते हैं तो आता है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या कहलाता है। दो जब समुच्चय हमारे पास होते हैं तो हमको दो समुच्चयों के अवयवों को लेके जो संग्रह मिलते हैं, एक समुच्चय हमारे पास ये है, दूसरा समुच्चय ये है, तो ये दोनों समुच्चय के अवयवों को लेके जो संग्रह हमको मिलते हैं उस वो सभी संग्रहों का जो समुच्चय है वो कहलाता है कार्तीय गुणन, ठीक है। अब कार्तीय गुणन जब आप समझ जाएंगे तो कार्तीय गुणन का ही सबसेट, कार्तीय गुणन का ही उपसमुच्चय होता है संबंध, ठीक है। तो जो हमको पॉसिबल संग्रह मिला है समुच्चय में, किसमें, कार्तीय गुणन में, दो समुच्चय थे उनके अवयवों के जो पॉसिबल संग्रह मिले हैं उनमें यदि हम कोई रिलेशन स्थापित कर दें, ठीक है, कोई रिलेशन बता दें, है ना, तो एक तरह से उन अवयवों में क्या बन गया, संबंध बन गया, ठीक है। फिर आता है विशेष संबंध। तो कुछ विशेष टाइप के संबंध होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फलन। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, मतलब आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये आ गया तो फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ गया तो ये आ जाएगा, और ये आ गया तो ये आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं संबंध। देखिए, जैसे हमारे पास दो सेट हैं पी, इसमें एलिमेंट हैं, अवयव हैं ए बी सी, क्यू में हैं, क्यू में मैंने कुछ लोगों के नाम लिख लिए, ये आपके बुक का ही है, जैसे अली, भानु, बिनोय, चंद्र, दिव्या, ठीक है। तो इसका यदि सेट पी का सेट क्यू के साथ कार्तीय गुणन हम निकालें तो क्या मिलेगा, पी क्रॉस क्यू बराबर पहले सेट ए का अवयव सेट क्यू के अवयव के साथ, मतलब ए अली, फिर इसी का इसके साथ भानु के साथ, फिर ए का बिनोय के साथ, ऐसे करके हम पॉसिबल जितने भी क्रमित युग्म बनाते हैं उन सभी का सेट, उन सभी को किस में रखेंगे, पी क्रॉस क्यू में, मतलब पी और क्यू के कार्तीय गुणन में रखेंगे। अब हम प्रत्येक क्रमित युग्म एक्स वाई के प्रथम घटक एक्स तथा द्वितीय घटक वाई के बीच एक संबंध आर स्थापित कर पी क्रॉस क्यू का एक उपसमुच्चय इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम सेट पी और क्यू के अवयवों के बीच में एक संबंध स्थापित कर दें, एक संबंध स्थापित कर दें, तो उससे हमको क्या मिलता है, आर जो एक सेट है उसके एलिमेंट मिल जाते हैं। अब आर को, रिलेशन को शो करने के तीन तरीके हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है और तीर आरेख है। ये तीनों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके बाद कि जो भी चीज़ें यदि समझ में नहीं आता है तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ तो और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। अब हम प्रत्येक क्रमित युग्म एक्स वाई के प्रथम घटक एक्स तथा द्वितीय घटक वाई के बीच एक संबंध आर स्थापित कर पी क्रॉस क्यू का एक उपसमुच्चय इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब वो समुच्चय किस प्रकार का होगा ये मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स दिखाया गया है इसके अवयवों के लिए एक संकेत के रूप में, वाई दिखाया गया है इसके अवयव के संकेत के रूप में, ठीक है। अब रिलेशन को शो करने के तीन तरीके हैं, कौन कौन सा है, एक रोस्टर फॉर्म जो आप जानते हैं, ठीक है, जानते हैं ना, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, और तीसरा है तीर आरेख, ठीक है। तो इसको फिर हम शो करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे हमने लिखा एक संबंध आर, इसमें क्या है, एक्स वाई हमने ले लिया, इस तरह से है कि एक्स जो है वाई का प्रथम अक्षर है, मतलब जो रिलेशन हमने डिफाइंड किया है वो इस तरह से डिफाइंड किया है
आर बराबर एक्स वाई इस टाइप के क्रमित युग्म इसमें हैं, जहाँ पे एक्स जो ये पहला वाला है ये क्या है, वाई का प्रथम अक्षर है, जो दूसरे वाले एलिमेंट है, जो दूसरे दूसरा वाला अवयव है उसका क्या है, प्रथम अक्षर है। ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे केवल एक प्रॉपर्टी बता दी जाती है कि आखिर जो यहाँ पे क्रमित युग्म दिखाया गया है उसका जो प्रथम अवयव जो है वो दूसरे अवयव से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। अब यदि रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए इसको तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है एक्स वाई का प्रथम अक्षर है, एक्स मतलब ये वाला जो सेट पी का यदि मैं पहला अक्षर लूँ तो ये किसके साथ संबंधित होगा, अली के साथ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो ये पहला वाला अवयव है वो दूसरे अवयव का प्रथम अक्षर है, मतलब यदि यहाँ पे ए ले रहे हैं तो यहाँ पे अली लेना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रथम अक्षर ए है। वैसे ही बी किससे संबंधित होगा, बी होगा बिनवाई से भी और बी संबंधित होगा भानु से भी। अच्छा यहाँ पे भानु लिखना था, भानु, और ये होगा बिनवाय से क्योंकि दोनों ही नाम बी से शुरू होते हैं। और सी किससे शुरू होगा, ये यहाँ पे सी से शुरू होने वाला है चंद्र, ठीक है। तो इस तरह से हमको जो रिलेशन आर है उसके क्रमित युग्म या उसके अवयव जो हैं हमको मिल गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो अवयव थे पी क्रॉस क्यू में उसी के अवयवों का एक सेट है आर में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो संबंध आर होता है वो पी और क्यू के कार्तीय गुणन का एक सबसेट होता है, एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तीर आरेख से हम शो करें तो कैसे शो करेंगे, तीर आरेख से इसको शो करना है हमको, तीर आरेख से। तो सबसे पहले दो ऐसे गोले बना लेंगे यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे बना लेंगे इनका नाम अली भानु और बिनॉय और चंद्र, ठीक है। तो ए किससे संबंधित है, ऐसे एरो बना के दिखाना है, बी किससे संबंधित है, इससे भी संबंधित है और इससे भी ऐसे, और सी चंद्र से। तो ये तीर आरेख हमने शो कर दिया है, ओके। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा, और नहीं आता है तो कमेंट के थ्रू आपको बताना है, ओके। इसको क्या बोलते हैं, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, एरो, ठीक है, डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे एरो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको वेन डायग्राम नहीं बोलते हैं, वेन डायग्राम ऐसा कहलाता है जिसमें ये गोला बना के बताया जाता है समुच्चय को, है ना, ये कहलाता है एरो डायग्राम। देखिए संबंध की परिभाषा आप थोड़ा सा जान लीजिए तो उसे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, अरिक्त मतलब जो खाली नहीं है, समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। अभी हमने देखा जैसे संबंध स्थापित किया था हमने, हमारे पास दो सेट जो पी और क्यू थे जिसमें अली बिनॉय और चंद्र थे, है ना। तो हमने देखा कि जो हमको संबंध आर के जो अवयव मिल रहे थे वो कार्तीय गुणन पी और क्यू के अवयव थे, ओके। तो यह समुच्चय क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। तो जब संबंध हमने स्थापित किया था, हमने बताया कि जो ए है वो जो सेट बी है उसका प्रथम अक्षर है, तो एक संबंध हमने स्थापित किया तो हमको प्राप्त होता है क्या, संबंध आर के अवयव, संबंध के अवयव। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये जो हमको संबंध मिला था कि जैसे हमारे पास दो सेट थे, एक सेट मान लो इसको ए दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, ये मैंने अलग से लिया है, तो इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें है अली भानु बिनवाई, ये संबंधित है, ए अली से है, बी भानु बिनवाई से है और सी चंद्र से। तो ए का प्रतिबिंब कहलाएगा अली, बी का प्रतिबिंब कहलाएगा भानु बिनवाई और सी का चंद्र, ठीक है। और अली का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है ए, बिनवाई का, भानु का बी, चंद्र का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा सी। प्रतिबिंब समझ में आ गया। अब हम देखने वाले हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ठीक है। एक एग्जांपल शुरू करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ए लिया गया है, इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सेट ए का ए के साथ ही संबंध
स्थापित किया गया, ठीक है, ए का ए के साथ ही, और उस संबंध को इस तरह से परिभाषित किया गया है, यहाँ पे है एक्स वाई, ठीक है, जिसमें वाई बराबर है एक्स माइनस वन, मतलब जो वाई अवयव है, जो दूसरा अवयव है, वो पहले अवयव से एक घटाने पे मिलता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट प्रांत, सहप्रांत और परिसर का क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे वन लेते हैं, तो यहाँ पे कोई, देखिए यदि मैं वन लेता हूँ, ये किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो यदि हम वन लेते हैं पहला अवयव वन, तो दूसरा अवयव क्या होगा, वन माइनस वन मतलब जीरो, तो क्या जीरो इसमें है, जीरो है इसमें, नहीं है, क्योंकि सेट ए का ए के साथ ही संबंध है, इसलिए ऐसे अवयव लेना है जो इसमें हो। तो हम क्या लेते हैं, दो, तो दो से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक, ठीक है, फिर तीन से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, दो, फिर चार लेंगे, चार से एक घटाएंगे, तीन, तो इसमें जो एलिमेंट मिलेंगे हमको, दो एक, तीन दो, चार तीन, ठीक है, मतलब तीन एलिमेंट मिल गए। उसके बाद अब हम देखते हैं रेंज, यहाँ से आपका मतलब, रेंज मतलब प्रांत, ठीक है, सॉरी, रेंज का मतलब होता है परिसर। तो सबसे पहले हम इसका प्रांत देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, प्रांत। तो प्रांत में जो पॉसिबल इनपुट हैं, मतलब जिन अवयवों के संगत हमको कोई अवयव मिला, जिन अवयवों के संगत हमको कोई आउटपुट मिलता है, या जिन अवयवों का प्रतिबिंब मिल रहा है, जिन अवयवों को लेने से प्रतिबिंब मिला, जैसे क्या क्या लेने से मिला हमको, दो, तीन और चार, इन्हीं अवयवों का प्रतिबिंब मिल रहा है ना, जैसे दो का प्रतिबिंब एक, तीन का दो, चार का तीन, क्या एक को लेने से मिला, नहीं मिला, तो प्रांत में वही अवयव लेना है जिन अवयवों को लेने से कोई अन्य अवयव मिल रहा है, या जिन अवयवों को लेने से उसका प्रतिबिंब मिलता है, उन्हीं अवयवों को लेना है यहाँ पे। तो दो, तीन, चार, इसका क्या हो जाएगा, प्रांत। अब इसके परिसर में उन अवयवों को लेना है, जैसे दो को लेने से क्या मिला, वन, तो इसमें वन लेंगे, तीन को लेने से क्या मिला, दो, तो दो आ जाएगा, फिर चार को लेने से क्या मिला, तीन, तो ये इसका परिसर हो गया। अब सहप्रांत, सहप्रांत में वो सभी अवयव लेना है, मतलब जो हमारा सेट है उसके सारे अवयव आ जाएंगे इसमें, मतलब एक, दो, तीन, चार, पॉसिबल आउटपुट, आउटपुट मतलब जो अवयव हमको मिले। अब इसको रो डायग्राम में कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे हमारे पास हमारा जो संबंध था सेट ए का ए पे ही था, मतलब इधर का भी डिब्बा जो बनाएंगे वो सेट ए होगा, इधर का भी ए ही होगा, ठीक है, और रिलेशन आर ये दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो भी अवयव हैं ले लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, इसमें ले लेते हैं एक, दो, तीन और चार, ठीक है। तो एक को लेने से तो हमको कुछ मिल नहीं रहा, मिला है क्या, नहीं मिला, दो को लेने से मिला था तीन, सॉरी, दो को लेने से क्या मिला था, एक मिला था, तीन को लेने से दो, चार को लेने से तीन, ठीक है। तो जो प्रांत होगा वो जो हमने पॉसिबल इनपुट लिए हैं, मतलब जिनके संगत हमको प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब दो, तीन, चार, तो प्रांत में क्या आ जाएगा, दो, तीन, चार। परिसर क्या कहलाएगा, जो हमको आउटपुट मिला, जैसे एक, दो, तीन, जो प्रतिबिंब मिला हमको, तो ये आ गया परिसर। सहप्रांत में वो सारे अवयव ले लेना है जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसे एक, दो, तीन और चार, ठीक है, आ रहा है समझ में, कमेंट करके बताया। परिभाषाएँ भी बना सकते हैं, परिभाषा ये बना सकते हैं कि जो हमारा संबंध था, संबंध R के प्रथम अवयव के प्रथम अवयवों का जो समुच्चय, जो इसके क्रमित युग्म थे उसके प्रथम घटकों का समुच्चय, संबंध R के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि संबंध R के द्वितीय घटकों का समुच्चय परिसर कहलाता है। और आप ये देखेंगे कि जो परिसर होगा हमेशा सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है, क्यों, क्योंकि इसके सारे अवयव इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं, तो हम कह सकते हैं कि परिसर सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होता है। तो परिभाषा आपको लिखना है तो मैं लिख दूँ।
तो मैंने प्रांत की परिभाषा लिख दी है। परिभाषा यह है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। परिसर की परिभाषा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों को, जो मैंने दिखाया था एग्जाम्पल में, के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है, बी है ना, मतलब दूसरा वाला समुच्चय, और परिसर हमेशा सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, और आपके जो भी डाउट हो कमेंट के थ्रू बताना है। ओके 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 एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।